नमस्कार, मैं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज में। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून की दोपहर आत्महत्या कर ली थी। ये खबर सुनकर पूरा देश सदमे में आ गया। सुशांत अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गए हैं। कई लोग आशंका जता रहे हैं कि उन्हें टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। इन्हीं अनसुलझे सवालों को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस लगातार जांच में जुटी है। बॉलीवुड निर्माता विजय शेखर गुप्ता को सुशांत की खुदकुशी ने कुछ इस तरह झकझोर दिया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के जीवन का एक फिल्म सुसाइड और मर्डर बनाने की तैयारी कर ली है। विजय शेखर गुप्ता ने अपनी फिल्म का पोस्टर जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक वह बताते हैं कि यह फिल्म मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो यह बड़े स्टार्स और प्रोडक्शन हाउस की मोनोपोली है उसे खत्म किया जाए। कहते हैं, अपनी इस फिल्म के जरिए मैं 100% बॉलीवुड को नंगा कर दूंगा। आज जो बच्चे बाहर से आते हैं उन काबिल बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में बने गैंग की वजह से सही मौका नहीं मिल पाता है। बॉलीवुड के अंदर मैं इस गैंग को तोड़ना चाहता हूं। मेरी कहानी में वह सब कुछ होगा जो सुशांत के साथ बुरा हुआ है। इस लड़के को मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए। उसे लोगों ने मिलकर बुली किया, उसका बहिष्कार किया, सोशल बॉयकॉट किया, एक के बाद एक लगातार कई फिल्मों से उसे निकाला गया। हमारी इस फिल्म में कुछ ऐसे स्टार्स की कहानी भी शामिल होगी जो आज भी सुशांत वाली मानसिकता और परेशानी से जूझ रहे हैं। मेरी एक टीम तेजी से इस विषय पर दिन रात रिसर्च करने में जुट गई है। हम ऐसे एक्टर से संपर्क कर रहे हैं जिनसे बॉलीवुड में भेदभाव किया जा रहा है, उनका काम छीना जा रहा है और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। मैंने इस फिल्म के लिए अपनी लीगल टीम से बात कर ली है ताकि किसी तरह की कोई रोक टोक ना हो। हम इसे किसी बायोपिक की तरह नहीं बना रहे हैं। ये सुशांत के जीवन से इंस्पायर्ड होगी जिससे बॉलीवुड की अन्य कई सच्चाई भी सामने आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।